वर्ष के बाद हम शास्त्र धारा की ओर प्रस्थान करते हुए लेट्स गो टू शास्त्र धारा। आधे घंटे के सफर के बाद शास्त्र धारा पहुंच चुके हैं। यहां से ऊपर साईं मंदिर के लिए रोपवे की टिकट लेने के बाद रोपवे की तरफ जाते हुए बहुत ही अद्भुत दृश्य। सामने ही वाटर पार्क। शास्त्र धारा में अब उड़न खटोले में बैठ चुके हैं, हल्के हल्के छोले लेते हुए और साई मंदिर की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं, जा रहे हैं ऊपर। ऐसे छोले बचपन में पालने में लिए थे, वैसी फीलिंग बना। आपका क्या विचार है? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार अद्भुत दृश्य। चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ तो मशीनें ही दिख रही है। उत्तराखंड के इस टूर पे आज पहली बार धूप से सामना हुआ है, काफी खिली खिली धूप। धीरे धीरे स्पीड ऊपर जाएंगे, वहाँ पे ऊपर भी हवा में गोते लगा रहे हैं सभी। नीचे झरना चल रहा है, वहाँ कल कल की आवाज कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य, मधुर ध्वनि। भाई जी जल्दी पुकाओ, आराम से मजे लेते हैं। एकदम टॉप पे हैं अब, नीचे कम से कम 1000 फुट की गहरी खाई है। रोक दिया अपन, लाइट गई। ठीक है, लाइट चली गई है। मंजिल के करीब है इसलिए थोड़ा सा जो इसकी गति है इसमें कमी आई है, और हृदय की गति है वो थोड़ी बढ़ गई है। वाटर पार्क भी है यहाँ पे देखा जाए तो, काफी सारे छोटे छोटे वाटर पार्क खाली कर रखे हैं, अभी चालू नहीं है, कोई आया नहीं है नहाने, इसलिए खाली नहीं, लॉकडाउन की वजह से बंद है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोविड ने उत्तराखंड के पर्यटन पे बुरा असर डाला है, अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। फिर भी नदियां वैसे ही बह रही, कर्मचारियों पे भी काफी असर डाला है। तकरीबन 1.5 साल का डीए खा गई है गवर्नमेंट। अब पहुंच चुके हैं साईं मंदिर शास्त्र धारा से, रोपवे से नीचे उतर चुके हैं। आइए आप भी अपना शक्ल दिखाइए। ये छोटा सा रोपवे का अनुभव काफी मजेदार रहा, छोड़ा है सभी ने, काफी एंजॉय किया इसे। पढ़ता नहीं है यार, टूटोरियल आर्मी कमांडेंट। अब शिवपाल जी के कहने पर शिवपाल जी अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। ओ माय गॉड, खाली गया, खाली क्या गया, लगी है ना, किसके लगी? गूंगी गूंगी, अरे बंदूक की गूंगी तारी। ओहो क्या है? बात है, टैलेंट है किसी लगा जाए ग्रीन वाली के, फिर शुरू से निशाने, शुरू से निशाने बाज रहे हैं। कमल दे क्लीन बॉल में सार टूटल का दर्जा मिला हुआ है इन्हें। देवेंद्र जी आपकी बारी, आइए। 50 रुपए में 5 शॉट मिलेंगे यहाँ पे,
जो भी चाहे अपना टैलेंट दिखा सकता है। चूक गए देवेंद्र जी भी, अब बन्ना को लास्ट चांस मिल रहा है। एक मिनट पक्के की गारंटी ले रहे हैं। किस ओए होए क्या बात है, बोतल के लगी है लेकिन जिस बोतल के मारना चाहते थे उसके दोनों के लगी है। काफी वाइड वो, यहाँ ये जो सामने दिख रही है ग्रीन वाली को लगाने की कोशिश कर रहे थे पर लगा उस बोतल को जो ऑरेंज कलर की है, कोशिश कर रहे थे वहीं लगा। बोलो ग्रीन वाली लगा दो। चलो रुक रुक, पर्पल वाली छोटोड़ी ले, बड़ोड़ी तो लगाई है तुम्हारे। चलो कोई नहीं, ग्रीन वाली। अब ग्रीन वाली के लगा रहे हैं तो सबसे साइड वाली देखिए। ओह माय गॉड, कम से कम आधा फुट दूर था। लेकिन आवाज का भी एक बात कहनी ही पड़ेगी कि उत्तराखंड को मतलब प्रकृति का ये बहुत ही खूबसूरत वरदान है। बिल्कुल चारों तरफ एकदम हरी भरी वादियाँ, निहारते रहो मतलब ही नहीं होती। देखिए क्या क्या हरियाली है और इन हरियाली वादियों में ये छोटे 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 मकान देखिए, वाह क्या नज़ारे। मकान बड़े हैं पर आपको, हाँ ये भी बात है। बाद और सहस्त्रधारा की वो बिल्कुल
ठंडे पानी और गंधक युक्त पानी में स्नान करने के बाद देवेंद्र जी और बिल्कुल विचार और स्किन बिल्कुल बदल चुके हैं। इवन देवेंद्र जी के हाथ में जो कड़ा था वो भी काफी कलर कलर चेंज हो चुका है, रंग बदल चुका है। और इसी रंग बदले कड़े के साथ अब सहस्त्र धारा के सफर की कांत करते हैं, ठीक है, और जल्दी ही सहस्त्र धारा मिलेंगे इसी कामना के साथ। गुड बाय।